नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं विज्ञान के प्रमुख शाखाएं, जो तो विज्ञान के प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन के विषय से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। यह तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और इस वीडियो को देखते रहिए और अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स को भी कवर किया गया है, साथ ही साथ और जितने भी अध्ययन क्षेत्र हैं सभी को हमने कवर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाई फाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले नंबर से, यानी कि पहला विषय क्या है, यानी कि पहला अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले है अरबोली कल्चर। जी हाँ, तो अरबोरी कल्चर जो है किससे संबंधित है? तो अरबोली कल्चर जो है वो वृक्ष उत्पादन, जी हाँ, तो वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान से संबंधित है। जी हाँ, तो वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान से संबंधित है अरबोरी कल्चर। चलते हैं आगे की ओर। तो आगे है हमारा अर्कोलॉजी। जी हाँ, तो अर्कोलॉजी, तो अर्कोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो पुरातत्व। जी हाँ, तो पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। जी हाँ, तो अर्कोलॉजी जो है पुरातत्व संबंधी विज्ञान की एक शाखा है। उसके बाद है ऑर्थोपेडिक्स। जी हाँ, तो ऑर्थोपेडिक्स जो है वो क्या है? तो ऑर्थोपेडिक्स जो है अस्थि उपचार। जी हाँ, तो अस्थि उपचार का अध्ययन है ये। जी हाँ, तो अस्थि उपचार का अध्ययन जो है वो है ऑर्थोपेडिक्स। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो इकोलॉजी जो है जीव व पर्यावरण। जी हाँ, तो जीव व पर्यावरण के बीच पारिस्थितिक संबंध का अध्ययन जो है इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे की ओर। तो आगे है इथेनोलॉजी। जी हाँ, तो इथेनोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? तो इथेनोलॉजी जो है वो विभिन्न सांस्कृतिक का तुलनात्मक अध्ययन है। जी हाँ, तो विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो इथेनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है इथेनोग्राफी। तो इथेनोग्राफी किससे संबंधित है? तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? वो इथेनोग्राफी कहलाता है। उसके बाद जो है इथोलॉजी है। जी हाँ, तो इथोलॉजी, तो इथोलॉजी जो है इसमें प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इथोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इक्थियोलॉजी। जी हाँ, तो इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? तो इक्थियोलॉजी जो है मत्स्य एवं, जी हाँ, तो मत्स्य एवं संरचना। जी हाँ, तो मत्स्य एवं संरचना यानी कि मत्स्य की संरचना कायिक इत्यादि का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। जी हाँ, तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का, जी हाँ, तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी जो है आपको कहलाता है, यानी कि चींटियों के बारे में भी इसमें होता है। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। आगे है एंथोलॉजी। जी हाँ, तो एंथोलॉजी जो है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फूलों का अध्ययन। जी हाँ, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एग्रोस्टोलॉजी। जी हाँ, तो एग्रोस्टोलॉजी इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एकॉस्टिक्स। जी हाँ, तो एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है, यानी कि एकॉस्टिक्स में ध्वनि संबंधित, बस ध्वनि से संबंधित जितने भी आते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एपिकल्चर। जी हाँ, तो एपिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपिकल्चर में मधुमक्खियों के, जी हाँ, तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एपिग्राफी। तो एपिग्राफी में जो है शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो एपिग्राफी के अंतर्गत जो है वो शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एरोनॉटिक्स। जी हाँ, तो एरोनॉटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा को हम लोग एरोनॉटिक्स कहते हैं। जी हाँ, तो इसके अंतर्गत वायुयान संबंधी जितने भी
विज्ञान है उनकी शाखा जो है एरोनॉटिक्स कहलाता है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी, जी तो एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। जी तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन जो है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एस्ट्रोलॉजी, यह तो एस्ट्रोलॉजी पहले था एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद है एस्ट्रोलॉजी। यह तो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत मानव ग्रह पर है, यह तो मानव ग्रह पर है नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। यह तो मानव पर ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत मानव पर ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत कल आता है। उसके बाद है एक्रोबेटिक्स, जैसे तो एक्रोबेटिक्स क्या होता है, तो व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा को, या तो व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा को जो है एक्रोबेटिक्स कहते हैं। उसके बाद है एस्ट्रोनॉटिक्स, जी तो एस्ट्रोनॉटिक्स क्या है, तो एस्ट्रोनॉटिक्स जो है यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। जी तो इन अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान को जो है एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। उसके बाद है अर्निथोलॉजी, जी तो अर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो अर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी पक्षी होते हैं इन सभी का अध्ययन जो है अर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है ऑस्ट्रियोलॉजी, जो तो ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत जो है वो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। जो तो ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ओडोंटोलॉजी, जी तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। जी तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ओरोलॉजी, जी तो ओरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पर्वत का अध्ययन जो है वो ओरोलॉजी कहलाता है। जी तो ओरोलॉजी कहलाता है, या फिर ओरोलॉजी के अंतर्गत ही जो है हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है आपका दोस्तों ऑप्टिक्स, जी तो ऑप्टिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो है प्रकाश के प्रकार व गुण धर्मों का अध्ययन जो है वो ऑप्टिक्स कहलाता है, या फिर ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो है प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। चलते हैं आगे की ओर, तो आगे है हमारा ओलिवो कल्चर, जी हाँ तो ओलिवो कल्चर के अंतर्गत क्या किसका अध्ययन किया जाता है, तो जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ तो जैतून की कृषि का अध्ययन जो है वो ओलिवो कल्चर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है ओलेरी कल्चर, तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों की, जी हाँ तो सब्जियों की व्यापारिक कृषि, जी हाँ तो सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन जो है वो ओलेरी कल्चर कहलाता है। जी हाँ तो ओलेरी कल्चर जो है ये कहलाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा ऑनिरोलॉजी, तो ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत जो है वो स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। जी तो स्वप्नों के अध्ययन जो है वो ऑनिरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है कार्डियोलॉजी, जी तो कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय की रचना तथा रुधिर कार्य विधि का अध्ययन जो है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। यानी कि कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय की रचना तथा रुधिर कार्य विधि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग कीमोथेरेपी, जी हाँ तो कीमोथेरेपी के अंतर्गत क्या होता है, तो कीमोथेरेपी के अंतर्गत जो है रासायनिक यौगिक, जी हाँ तो रासायनिक यौगिकों के यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। जी हाँ तो कीमोथेरेपी के अंतर्गत रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। उसके बाद है कैलोलॉजी, जी हाँ तो कैलोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, तो मनुष्यों के, जी हाँ तो मनुष्यों के सौंदर्य का अध्ययन होता है। जी हाँ तो कैलोलॉजी के अंतर्गत मनुष्यों के सौंदर्य का अध्ययन जो है कैलोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है कोस्मोलॉजी, तो कोस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो ब्रह्मांड का, जी हाँ तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। जी हाँ तो उसके बाद है कॉस्मोलॉजी, जी हाँ तो कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड के जन्म, जी हाँ तो ब्रह्मांड के जन्म विकास और विलोपन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है हमारा क्रायोजेनिक्स, जी हाँ तो क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो निम्न ताप पर, जी हाँ तो निम्न ताप पर वस्तुओं के गुण धर्म और अन्य परिघटनाओं
का अध्ययन जो है वो क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद है जेनेटिक्स। जी हाँ, तो जेनेटिक्स को देखेंगे तो जीवों के, जी हाँ, तो जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, जी हाँ, तो हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन जो है वो जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है, यानी कि इनका अध्ययन जो है वो जेनेटिक्स कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ेंगे आगे की ओर। तो हमारा आगे है जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ट्राइबोलॉजी। जी हाँ, तो ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन जो है वो ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन जो है वो ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है न्यूमिस्मैटिक्स। जी हाँ, तो न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पुराने सिक्कों का अध्ययन। जी हाँ, तो पुराने सिक्कों का अध्ययन या धातुओं का अध्ययन जो है वो न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है न्यूमेरोलॉजी। जी हाँ, तो न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो अंकों का अध्ययन। जी हाँ, तो अंकों का अध्ययन जो है न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जो है तंत्रिकाओं। जी हाँ, तो तंत्रिकाओं यानी कि नाड़ी, जिसको नस कहते हैं, नस का अध्ययन यानी कि तंत्रिकाओं का अध्ययन जो है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी जो है वो तंत्रिकाओं का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन। जी हाँ, तो मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन जो है वो पीसी कल्चर कहलाता है, यानी कि मछलियों का उत्पादन जो है पीसी कल्चर कहलाता है। उसके बाद है हमारा पेडागोजी। जी हाँ, तो पेडागोजी, पेडागोजी में जो है अध्ययन कला का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो अध्यापन कला का अध्ययन जो है वो पेडागोजी कहलाता है। उसके बाद है पैरासिटीलॉजी। जी हाँ, तो पैरासिटोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है, तो परजीवियों का अध्ययन। जी हाँ, तो परजीवियों का अध्ययन जो है वो पैरासिटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है पैडोलॉजी। जी हाँ, तो पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पैडोलॉजी के अंतर्गत जो है वो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसका तो रोगों के, जी हाँ, तो रोगों की प्रति कारण, जी हाँ, तो प्रकृति का कारण, उपचार आदि का अध्ययन जो है वो पैथोलॉजी कहलाता है। यानी कि पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों के प्रकृति का कारण और उपचार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पैलिनोलॉजी। जी हाँ, तो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन जो है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है पैरालॉजी। तो पैरालॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्पंजों का अध्ययन। जी हाँ, तो स्पंजों का अध्ययन जो है वो पैरालॉजी कहलाता है, या फिर पैरालॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है हमारा पैलियोन्टोलॉजी। जी हाँ, तो पैलियोन्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो पैलियोन्टोलॉजी के अंतर्गत जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पोमोलॉजी। जी हाँ, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के, जी हाँ, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता व विक्षिप्तता, जी हाँ, तो विक्षिप्तता का अध्ययन जो है फ्रेनोलॉजी कहलाता है। चलेंगे आगे की ओर। आगे है फाइकोलॉजी। जी हाँ, तो फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है फिजियोग्राफी। जी हाँ, तो फिजियोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन फिजियोग्राफी कहलाता है। जी हाँ, तो फिजियोग्राफी जो है प्राकृतिक भूगोल का, यानी कि प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन फिजियोग्राफी कराता है। उसके बाद है फिलालॉजी। जी हाँ, तो फिलालॉजी किसका अध्ययन है, तो भाषा की रचना, जी हाँ, तो भाषा की संरचना व विकास व इतिहास का अध्ययन जो है वो फिलालॉजी कहलाता है। उसके बाद है हमारा फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है हम लोग फूलों की कृषि का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, तो फूलों की कृषि का अध्ययन जो है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है, या फिर
फूलों का जो है आपको फूलों की कृषि का अध्ययन जो है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ, तो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को जो है बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जी हाँ, तो जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा है जो कि बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है माइक्रोलॉजी। जी हाँ, तो माइक्रोलॉजी तो फफूंद एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, माइक्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है मार्फोलॉजी। जी हाँ, तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी। जी हाँ, तो भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन जो है वो मार्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है मिनेरोलॉजी। जी हाँ, तो मिनेरोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन करवाता है, तो खनिज का अध्ययन। या तो खनिज का अध्ययन जो है मिनेरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है मेट्रोलॉजी। जी हाँ, तो मेट्रोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है, तो वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन जो है वो मेट्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है मेमोलॉजी। जी हाँ, तो मेमोग्राफी, सॉरी मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी में जो है वो स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा जो है वो मेमोग्राफी कहलाता है। उसके बाद है मेमोलॉजी। तो मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन जो है वो मेमोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, तो स्तनधारी जितने भी प्राणी हैं, जंतु हैं, उनका अध्ययन जो है मेमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है मैरीकल्चर। तो मैरीकल्चर क्या है, तो समुद्र जीवों का अध्ययन। जी हाँ, तो समुद्री जीवों का उत्पादन जो है वो क्या कहलाता है, मैरीकल्चर कहलाता है। और मार्फोलॉजी के अंतर्गत, जी हाँ, तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है मोली कल्चर। जी हाँ, तो मोलियो कल्चर जो है मोलिक्यूलर, सॉरी मोलिक्यूलर। तो मोलिक्यूलर क्या है, तो बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्य का अध्ययन जो है मॉलिक्यूलर कहलाता है। उसके बाद है लिथोलॉजी। जी हाँ, तो लिथोलॉजी, तो लिथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषय का अध्ययन जो है वो लिथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है लेक्सिकोग्राफी। जी हाँ, तो लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो शब्दकोश का संकलन। जी हाँ, तो लिथोग्राफी क्या है, तो शब्दकोश का संकलन है, जिसको लिथोग्राफी, सॉरी लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। उसके बाद है विटीकल्चर। जी हाँ, तो विटीकल्चर क्या है, तो अंगूर की खेती का अध्ययन जो है वो विटीकल्चर कहलाता है। उसके बाद है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव विज्ञान का अध्ययन जो है वो साइकोलॉजी कहलाता है, यानी कि मनोविज्ञान का अध्ययन है वो साइकोलॉजी। उसके बाद है साइटोजेनेटिक्स। जी हाँ, तो साइटोजेनेटिक्स, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीव कोशिकाओं और उसकी अनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन जो है वो साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और साथ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना, सुझाव या शिकायत है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।